दुनिया का सबसे सस्ता 251 रुपए वाला थ्रीडम 251 मोबाइल फोन बनकर तैयार हो गया है। नोएडा की स्टार्टअप कंपनी रिंगिंग बेल्स प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि उस पर ऐसे आरोप लगाए गए कि इस कीमत पर फोन उपलब्ध नहीं किया जा सकता और कंपनी के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन आखिरकार कंपनी ने फोन तैयार कर लिया है। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहित गोयल ने यहां सेक्टरद में अपने कार्यालय में कहा कि कंपनी अपना वादा पूरा करने में सफल रही है। गोयल ने कहा, हम करीब 2,00,000 थ्रीडम 251 फोन के साथ तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण की आपूर्ति 2,00,000 करने के बाद फिर से इस फोन के लिए पंजीकरण शुरू किया जाएगा। कंपनी ने इस साल फरवरी मध्य में 30 जून से पहले 25,00,000 फोन की आपूर्ति करने की योजना बनाई थी। कंपनी को हालांकि 3 दिन के अंदर 7 करोड़ से अधिक पंजीकरण मिले और आखिरकार कंपनी के पेमेंट गेटवे ने काम करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा, हमने 4 इंच का 2 सिम वाला फोन आपूर्ति करने के लिए तैयार कर लिया है। गोयल ने कहा कि अभी उन्हें हर फोन पर 140-150 रुपए का घाटा हो रहा है, लेकिन अधिक संख्या में बेचने पर लाभ मिल सकता है। यह फोन 3G को सपोर्ट करता है। इसमें 1.3 GHz क्वाड-कोर प्रोसेसर, 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल मेमोरी और 32 GB एक्सटर्नल मेमोरी कोर्ट को सपोर्ट करने की सुविधा है। INS को हालांकि कोई फोन नहीं दिया गया, सिर्फ फोन की तस्वीर लेने की सुविधा दी गई। फोन का रियर कैमरा 8 MP फ्लैश सहित का और फ्रंट कैमरा 3.2 MP का है। यह एंड्रॉयड 5.1 लॉलीपॉप पर चलता है। फोन काले और सफेद रंग में उपलब्ध है। कंपनी जुलाई के प्रथम सप्ताह में 32 इंच का हाई डेफिनेशन LED टेलीविजन भी लॉन्च करना चाहती है। इसका नाम भी थ्रीडम रखा गया है। गोयल ने कहा, यह भारत का सबसे सस्ता टेलीविजन सेट होगा जो 10,000 रुपए से कम कीमत में उपलब्ध कराया जाएगा। सिर्फ 2 दिन के भीतर आपूर्ति की जाएगी। हम इसे ऑनलाइन माध्यम से बेचेंगे।